हेलो फ्रेंड्स, यह रहा मानवेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 8 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ सिविक्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज अच्छे से बताएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारत का संविधान। पूरे इसकी डिटेल में चलिए समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। तो हम आपको थोड़ा पहले से बताते हैं, जब हमारे लोगों पे अंग्रेज़ों ने बहुत दिनों तक राज किया है, वहाँ आए थे, हम लोगों को ग़ुलाम बनाए थे, तब के समय ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। वो अपनी मनमानी किया करते थे, हम लोगों से काम कराया करते थे, पीटते थे, मारते थे, उनका जो मन हुआ करता था वो किया करते थे, क्योंकि तब कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था। वो जो भी रूल्स बनाते थे अपने खुद के बना लेते थे। इसकी वजह से हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई है। हमारे बहुत सारे भाई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान किया है आज़ाद कराने में। उसके बाद अंग्रेज़ जब छोड़ के गए भारत को, उसके बाद हम लोगों ने आपस में सोचा था कि हम जब नया भारत बनाएंगे तो उसमें एक से एक अच्छे अच्छे रूल्स ये अब बनाएंगे, जिससे कोई भी लोगों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तभी से उसके बाद जब भारत देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद 300 लोगों का ग्रुप मिलके एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए राजी हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो कॉन्स्टिट्यूशन 300 लोगों का ग्रुप, उसके ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन जो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, जो सबसे हेड थे, पढ़ाई लिखाई के मामले में सुपरहिट थे, क्योंकि उनके पास सबसे ज़्यादा उस समय डिग्रियां थी, 33 डिग्रियां, एक अच्छे से हर एक अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए सबसे पढ़े लिखे नेता थे, दलित नेता थे। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द रूल बुक फॉर अ कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक है, कह सकते हैं रूल है, एक रूल बनाई गई हुई बुक है, बुक फॉर अ कंट्री, देश के लिए। इट सेट आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल बाई विच द स्टेट इज गवर्न। इसमें कुछ आपके फंडामेंटल प्रिंसिपल है, फंडामेंटल मतलब मौलिक सिद्धांत हैं, जिसकी हेल्प से स्टेट को गवर्न किया जाता है। स्टेट मतलब किसी भी कंट्री को गवर्न किया जाता है उसके हिसाब से। अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो उसमें हर एक चीज़ की सब चीज़ें लिखी हैं, कौन कैसे क्या होगा, लगभग सब। वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अपना ही कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट पूरे वर्ल्ड का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। 26 नवंबर 1949, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था, मगर फोर्स में नहीं आया था, मतलब लागू नहीं किया गया था। इट वॉज अडोप्टेड बाई द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो थी उसमें ये 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। सब लोग इसमें क्या हो गए थे, राज़ी हो गए थे। एंड केम इन टू फोर्स, बाद में फोर्स में आया, मतलब लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को लागू किया, जिसको आजकल हम लोग गणतंत्र दिवस जब भी 26 जनवरी को मनाया जाता है, उस दिन क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बन के फोर्स में आया था, लागू कर दिया गया था। तो इसमें 300 लोगों का ग्रुप था। अब ऐसा नहीं कि कुछ ही लोगों ने मिल के कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया, लगभग डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर एक इंडियंस को लगभग मौका दिया गया था, क्योंकि वो जो 300 लोग थे वो हर एक कम्युनिटी से आए थे, हर एक कास्ट से आए थे, हर एक स्टेट से आए थे, हर एक जगह से, लगभग इलेक्शन होके लोगों ने चुन के भेजा कि हमारा नेता ये है, ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हेल्प करेगा। तो हर लगभग पूरे भारत में हर जगह सब एक हर एक फील्ड से लोगों को लिया गया था, कुछ इंग्लिश बोलने वालों को, कुछ तमिल बोलने वाले को, हर एक जगह से लिया गया था, सब लोगों की सहमत से कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ऐसा नहीं है कि किसी कुछ ही पार्टी लोगों ने मिलकर बनाने, सब लोगों की सहमत से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। उसमें लगभग सबको हर एक जगह, उसमें सबको जगह मिली थी, इसमें आपको सबको जगह मिली थी। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट थे, जब बना था
22 पार्ट थे, 22 पार्ट थे, 22 पार्ट में अब क्या हो गया, संशोधन हुआ करते हैं, अमेंडमेंट हुआ करते हैं, जैसे कोई चीज़ें कमी रह गई उसको बढ़ाया गया या कुछ बदलाव करना है तो संशोधन या इंग्लिश में अमेंडमेंट कहते हैं। पहले पार्ट 22 थे, अब 25 हो गए हैं। आर्टिकल जब बनाया गया था 395 थे, आर्टिकल मतलब धारा 395 थे, अब इस समय 448 हैं। अब जितनी संख्या बढ़ी है उतने अमेंडमेंट संशोधन किए गए हैं, इतने बढ़ गए हैं। शेड्यूल मतलब अनुसूची, अनुसूची 8 पहले 8 थी, अब क्या हो गई, 12 हो गई। जैसे एग्जांपल के लिए हम आपको कुछ समझाएं, जैसे पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट में 1 से 4 तक आर्टिकल शामिल हैं। इसमें किसके बारे में बताया गया है, द यूनियन एंड टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी के बारे में पूरा बताया गया है। पार्ट टू 5 to 11, 5 से 11 तक आर्टिकल आते हैं, इसमें सिटीजनशिप मतलब नागरिकता कैसे ली जाएगी, नागरिकता के बारे में पूरा टोटल बताया गया है। पार्ट थ्री 12 to 15, 12 से 15 तक आर्टिकल पार्ट थ्री में आते हैं, तो इसमें फंडामेंटल राइट के बारे में बताया गया था। तो ऐसे ही टोटल पार्ट अब इस प्रेजेंट टाइम पे 25 हैं, पहले 22 थे आर्टिकल, यही टोटल आपके पहले 395 थे, अब 448। ये प्रोविज़न है, ये बताए जाते हैं आपके, बताएं। अब जब संशोधन होता है, जब संशोधन होता है तो आर्टिकल, आर्टिकल जैसे वन में कुछ संशोधन हुआ तो वन का 1A, 1B, 1C ऐसे संशोधन या अमेंडमेंट हुआ करते हैं। शेड्यूल, शेड्यूल अनुसूची, अनुसूची में ये होता है, इसमें पहले 8 थे या 12 हुए, 8 में जैसे पहले में यूनियन ऑफ स्टेट के बारे में बताया गया, इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करती है, मतलब दखलअंदाजी नहीं करती सुप्रीम कोर्ट, ज़्यादातर मामलों में नहीं करती है। यूनियन ऑफ स्टेट, स्टेट मतलब जितने तुम्हारा आपके स्टेट हैं इनको सबके मिला के यूनियन रखा है कि उसके बारे में इसमें बताया गया है। सैलरी किसको कितनी मिली, प्रधानमंत्री और ये राष्ट्रपति को कितनी मिलेगी ये डिसाइड करेगा। लैंग्वेज डिसाइड करता है, जैसे अपनी 22 भाषाओं को संविधान में मौका बताया गया है, उनकी मान्यता दी गई, तो 22 लैंग्वेज है उसमें बताया गया। नंबर ऑफ सीट ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में कितनी नंबर ऑफ सीट होगी, इसका फुल डिस्क्रिप्शन अनुसूची या शेड्यूल में बताया गया है। और ये जो आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आप लोग, हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है, इसको बनाने में बहुत लोगों की भूमिका रही है, कोई एक आप नहीं कह सकते। इसके ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे और सब लोगों ने। तो इसमें जो इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी क्या होता है, समानता, सब लोगों को बराबर मानना है, लिबर्टी आज़ादी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारे मिलजुल के रहना है, बीन टेकन फ्रॉम फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फ्रांस में क्रांति हुई थी, तो उसमें ये इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया गया है, ये तीनों वर्ड अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रांस से लिया गया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। इन वर्ड को किसने क्वेंट किया था, फिलोसफर थे एक रोसो। तो फिलोसफर क्या होते हैं, दार्शनिक, जो सोचते हैं, जैसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी तो पहले लोग सोचते थे इसको हल कैसे निकालें, हल कैसे निकालें, तो सोच सोच के अपने माइंड से इतना अच्छा वर्क करते थे, एक सिद्धांत दे देते थे कि ये सिद्धांत दे दिया है, इस पे ही वर्क होना चाहिए, तो वो सिद्धांत को कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना लिया था ये फ्रांस की। तो फ्रांस से हम लोगों ने ले लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इसको दिया था किसने था, ये फिलोसफी रोसो, रोसो ने दिया था। तो हम लोगों ने कहाँ से लिया, फ्रांस से भी लिया है। फंडामेंटल राइट्स, ये जो मौलिक अधिकार हैं, एंड प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग इंट्रोडक्शन, ये ट्रेलर मूवी के ट्रेलर होते हैं उसे इंट्रोडक्शन इसका होता है एक पेज में, उसको प्रियम्बल कहते हैं। ये हम US कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिए हैं, US मतलब यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका से ले लिए हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़, अब कुछ हमारे मौलिक ड्यूटीज़ होती हैं, कर्तव्य होते हैं, जैसे नेशनल फ्लैग को हमेशा रिस्पेक्ट करो, कहीं पड़ा हो तो उसको अच्छे से बिल्कुल उसको इज्जत बाकायदा, तो ये हमारी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी, जैसे कोई सरकार की चीज़ है ऐसा नहीं उसको तोड़ फोड़ डालो, हमारे पैसे नहीं लगे तो तोड़ डालो, उसकी भी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो आपकी थी UK से लिया गया था, इंग्लैंड से, इंग्लैंड से, UK इंग्लैंड को नहीं कह सकते, उसमें 3-4 देश आते हैं, मगर UK जनरली इंग्लैंड के लिए यूज़ कर लिया जाता है, UK इंग्लैंड से। अब ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी गए होंगे इंग्लैंड, वहाँ से दिमाग आया होगा, वहाँ से भी ले लिया, UK की कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया गया। फेडरलिज्म फ्रॉम कनाडा, ये फेडरलिज्म, ये फेडरल, जब ये तुम्हारी पावर को डिवाइड किया गया है, डिवाइड किया गया है, तो ये वर्ड कहाँ से लिया गया, कनाडा से, कनाडा है एक
है वहाँ से लिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल फ्रॉम आयरलैंड से ले लिया गया। तो ये देखने को आपको मिला होगा कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन आप लोगों का, हम लोगों का बना है, ये एक जगह से नहीं लिया गया है, ये लगभग बहुत सारी जगह से ढूंढ लिया गया, सब लोगों ने मिलकर मेहनत से बनाया, हम लोगों ने एक सेल के लिए ये अच्छा है इसको ले लेते हैं, इधर से ये अच्छा है, तो बिल्कुल अच्छे से चुन के अच्छे से बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन। अभी कॉन्स्टिट्यूशन बने हुए इतने सारे साल हो गए, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट नहीं हुई, अच्छे से देश चल रहा, जो भी बदलाव होते हैं हमारी लोकसभा में उसको बिल पारित करके उसको चेंज कर दिया जाता है, नया बनाना होता है तो नया बना दिया जाता है। तो आपने देखा होगा कितने अच्छे से ये सब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, क्योंकि हम बहुत लंबे समय तक गुलाम रहे, जितनी यातनाएँ झेलनी पड़ी, तो हमारे नेताओं ने पहले ही सोचा था जब हम नया भारत के निर्माण करेंगे तो अच्छे से अच्छी चीज़ें लेंगे कि कोई भी गरीब जनता कोई नहीं बचेगा, सबके लिए कानून बराबर होगा। वाई नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की नीड क्या है, जरूरत क्या है। ए कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व्स अ सेट ऑफ रूल्स, ये रूल्स होते हैं। अब हम आपको बताते हैं जैसे क्रिकेट में, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, क्रिकेट में कुछ रूल्स होते हैं कि जब बैट से आप बॉल मारेंगे अगर दर्शक के बीच में गिरेगी तो 6 होगा, अगर कोई बाउंड्री के अंदर कोई प्लेयर कैच कर लेगा तो 5 होगा। तो ये रूल्स किसने बनाए होंगे, हम लोगों ने बनाए, बना के सेट कर दिए कि इसी के हिसाब से क्रिकेट होगा। फुटबॉल में जैसे खेलते हैं उसमें हाथ लग गया तो फाउल हो जाता है, पैरों से ही हमेशा खेला जाता है, हेड का ये चेस्ट वेस्ट सबका इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड करने हैंड हो जाएगा फाउल। तो ये रूल्स बनाए जाते हैं, ऐसे ही सेम रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं। अगर इनके हिसाब से, अगर इनके साथ अच्छे से आप पेश नहीं आएंगे तो उसके लिए कुछ सजा, ये सब इसमें रिटर्न की गई हैं, लिखी गई हैं। उसी प्रकार से ये रूल्स होते हैं, तो ये रूल्स उसी टाइम से, कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री, हर एक पर्सन देश में कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ वे इन विच दे वॉन्ट द कंट्री टू बी गवर्न्ड। अब इसमें बताया जा रहा है कि जो अब रूल्स बन रहे हैं, ऐसा नहीं कोई 10 लोग आए रूल्स बना के रख दिया, ज़्यादातर मेजोरिटी, जैसे आपके कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें बाहर जगह से लोग लिए गए थे, सब लोग सहमत थे, हाँ ठीक है अच्छा बना है कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसको लागू कर देना चाहिए तब इसका, ऐसा नहीं कुछ ही लोग आके उसमें बना के उसको सेट करते हैं, ऐसा नहीं, और सब लोग राजी होने चाहिए। अभी रूल्स बने थे कॉन्स्टिट्यूशन, सब लोग राजी थे तो सब लोगों ने अच्छे से कहा हाँ अब लागू कर दीजिए, तो उसको मानेंगे। अब माना कि 10 लोग लेके आए कोई रूल बना दिया कि ये ऐसा होगा, तो अगर ज़्यादातर मेजोरिटी नहीं मानेगी तो क्या आंदोलन होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, तो नहीं, सब लोग मानना जरूरी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिफाइन द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। अब कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से हम ये भी जान सकते हैं कि नेचर कंट्री की, किसी भी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर कैसा है। अब नेचर का आप समझ सकते हैं अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेंगे कि ये चीज़ है, तो उससे हम कैसे लगा लेंगे कि जो भी कंट्री है कौन से नेचर की। जैसे अपना इंडिया एक डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र देश है, ये प्रजा के हिसाब से चलता है। डेमोक्रेसी की सबसे अच्छा एग्जांपल दिया था हमारे यूएस यूनाइटेड स्टेट के जो राष्ट्रपति थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन जी ने, उन्होंने कहा था ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, लोगों के लिए लोगों के द्वारा लोगों का रूल है, ये डेमोक्रेसी की बहुत अच्छी सी डेफिनेशन दी थी। तो डेमोक्रेटिक है अपना, सब प्रजा के हिसाब से चलता है, मगर कुछ देश हैं इसको नहीं फॉलो करते हैं, कुछ डिक्टेटरशिप, जैसे तो आपका हो गया नॉर्थ कोरिया, जहाँ किम जोंग रहता है, वो डिक्टेटरशिप तानाशाह, किसी की नहीं मानता, पावरफुल है, उड़ा उड़ा के रखता है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, वो सब अपना मैनेज करता है। चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, सऊदी अरेबिया में जैसे आपका प्रिंस होते हैं, मतलब मोनार्की सिस्टम है, एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम। तो हर एक कॉन्स्टिट्यूशन से हम समझ जाएंगे किस टाइप का पॉलिटिकल सिस्टम है। इंडिया में अच्छे से देखते हैं कि सबको बराबरी दिया जाता है, सबके फंडामेंटल राइट्स हैं, तो इसी से हम गेस करके समझ सकते हैं कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। अब जहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ लो कि कोई सरकार के सामने कोई विद्रोह नहीं कर सकता, कोई बात नहीं रख सकता, तो आप समझ जाना डेमोक्रेटिक ये आपका डिक्टेटरशिप है, तानाशाह है, इस टाइप से आप समझ सकते हैं। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के बाद आप ये समझ सकते हैं किस टाइप की गवर्नमेंट वहाँ वर्क करती है।
The constitution often lays down rules that guard against the misuse of power by our political leader. इसमें बताया जा रहा है कि constitution help करती है किस तरीके से, guard जैसे हम लोगों की security guard help करते हैं, वैसे ही constitution हमको बचाती है किससे, ये जैसे powerful leader हो गए, अब कोई political leader हो गया, नेता बन गया, MLA बन गया, MP बन गया, अब धौंस दिखा रहा है कि हम ये करेंगे, तो इससे कौन बचाता है, constitution ही हमको बचाएगा। इसका एक बहुत अच्छी सी स्टोरी बुक में डाली गई है, जैसे एक बुक में एनसीईआरटी वाली बुक जो बच्चे आप देख रहे हैं तो उसमें डाली गई स्टोरी कि कुछ एक मैम है वो एक क्लास मॉनिटर को वो स्कूल वो क्लास के बाहर जाती तो कह रहे हैं तुम तब तक इनको संभालना बच्चों को, तो वो बच्चा थोड़ा कमीना टाइप का था, एक सीधा लड़का था, तो उनसे जब वो मैम चली गई तो धौंस दिखा रहा था कि अभी तुमको हम बताते हैं बेटा, उनकी कुछ आंतरिक मामले लड़ाई होगी तो कहते हैं मैम से बताएंगे, जब मैम आई तब उनसे बताया मैम ये बात नहीं मान रहे थे, ये बदतमीजी कर रहे, तो मैम ने उनको डांट दिया। तो यही इसमें है कि अब जब रूल में आ जाए या तो आपको पावर मिल जाए तो कोई कह दे कि देश चलाओ, तो उसमें ऐसा नहीं कि तुम माइनॉरिटी जिनके पावर लेस हैं उन पर तुम कुछ भी करो, तो इससे हमको कौन बचाता है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है। पॉलिटिकली फॉर एग्जाम्पल मैनी लॉज कंटेंट इन द सेक्शन और फंडामेंटल राइट्स। अब जैसे कोई नेता हमको धौंस दिखाएगा कि तुम मिलो तुमको बाहर मारेंगे, किसी से पिटवाएंगे, पुलिस से पिटवाएंगे, तो हम लोगों की रक्षा कौन करेगा, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार हैं हमारे कि हमको बोलने का एक्सप्रेशन, अभी आगे वीडियो में आपको अच्छे से फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताएंगे कि हमारे मौलिक अधिकार होते हैं वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। कभी कहीं रेयर केस होती है जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है या इमरजेंसी, तो उसमें ये सब ले लिए जाते हैं, वो अलग एक रेयर केस है, इतनी जल्दी होता नहीं है वो, मगर और हमारे फंडामेंटल राइट कोई नहीं छीन सकता है, कोई भी नेता नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं छीन सकता है। अब इसके लिए फंडामेंटल राइट्स अगर आपके छीने जा रहे हों तो सुप्रीम कोर्ट आगे डिटेल में बताएंगे। In a democracy, the constitution ensures that a dominant group does not use its power against other less powerful people. अब इसमें कह रहा है जो dominant group होते हैं, दादागिरी वाले, तुम मिलो तुमको देख लेंगे, इस टाइप वाले ग्रुप वाले बहुत होते हैं, हर जगह देखने को मिलता है कि जब वो पावरफुल होते हैं तो अपने मिनिमम जो माइनॉरिटी होती है वो दबाते हैं या तो उनको धमकी देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इससे कौन बचाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी भी एक स्टोरी बहुत अच्छी डाली गई है, जब क्लास एक एनसीईआरटी की बुक में एक स्टोरी एक आगे और डाली गई जिसमें एक बच्चे क्रिकेट खेलने जाते हैं तो लड़कियाँ भी आती हैं कुछ, तो लड़कियाँ आती हैं तो वो कह रहे हैं हम क्रिकेट खेलेंगे, लड़कियाँ कह रहे हैं बैडमिंटन खेलेंगे, तो लड़के ज़्यादा होते हैं कहते हैं क्रिकेट कौन खेलेगा, तो हाथ उठाया कि लड़के ज़्यादा हुए, तो जब लड़के ज़्यादा निकले तो उसमें क्रिकेट होने लगा तो लड़कियों को भगा दिया गया, तो ऐसा ना हो पाए, तो इससे कौन बचाता है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन बचाता है। अब वहाँ टीचर आएगी वो सेलेक्ट करेगी, नहीं तुम इधर क्रिकेट खेलो तुम उधर बेटा बैडमिंटन खेलो, तो टीचर का काम हो, तो टीचर का काम लगभग आपका कॉन्स्टिट्यूशन का वर्क हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही बचाती है, ऐसा नहीं माइनॉरिटी हो कुछ भी करोगे, ऐसे तो भारत में कितनी माइनॉरिटी है, क्या सबको भगा दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। Powerful people. The constitution helps to protect us against decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principle that the country believes in. अब constitution help करता है हमको बचाने में, ऐसे decision ना कोई ले ले जिसकी वजह से एक बहुत बड़े adverse effect विपरीत प्रभाव पड़ जाएँ पूरे larger principle, एक बड़े principle that country believes, जिस पर भरोसा करता है। अब जैसा मान लिया कुछ नेता आए, उन्होंने चुन लिया कि देश में बहुत ये आंदोलन हो रहे हैं, अब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं चलेगी, अब डिक्टेटरशिप हो जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि डिक्टेटरशिप हो जाए, ये अच्छा नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इससे भी हमको बचाता है कि डिक्टेटरशिप नहीं हो सकता। जैसे पाकिस्तान में 2002 में जो जनरल परवेज मुशर्रफ थे, इन्होंने प्रेसिडेंट वहाँ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटाया कि तुम लोग नहीं संभाल पाओ, हटो हम संभालते हैं, आर्मी रूल लगा दिया था। तो फिर उसके बाद वो रहे भी, फिर उसके बाद अपना रॉब उनका चलता रहा इस टाइप से, ये क्या हुआ था आर्मी रूल पाकिस्तान में देखने को मिला था 2002 में, फिर उसके बाद 2005 तक। तो ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं कुछ लोग आके डिसीजन लेने की डिक्टेटरशिप, इससे भी हमको कौन बचाता है, कॉन्स्टिट्यूशन है। तो एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपनी माँ समझ सकते हैं, जैसे माँ अपने बच्चे को हर जगह बचाया करती है, उसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन भी बचाती है। तो रेस्पेक्ट अवर कॉन्स्टिट्यूशन बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ की फीचर हैं, चलिए देखते हैं।
द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑपेसिव रूल अंडर द कॉलोनियल स्टेट कन्विंस्ड इंडियन दैट फ्री इंडिया शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। तो ऐसा है, ये चीज़ हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसमें जब अंग्रेज आए थे यहाँ पर पूरा रूल कर रहे थे अच्छे से, तो यहाँ पर कोई भी लगभग 90% फंडामेंटल राइट जो होते हैं लगभग 90% नहीं थे, 10% नहीं कह सकते, 90% हमारे पास नहीं थे। इस समय 100% जो हमारी सुरक्षा है इनके जो थे फंडामेंटल राइट, ये 90% उस समय नहीं थे। कुछ भी किसी पीटते थे, मारते थे, ये हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे। आंदोलन या भूख हड़ताल करके अपनी बात ज़बरदस्ती टाइप से मनवाते थे, मगर वो भी उनका ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता था। तो ये इसमें बताया गया। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वॉज फॉर्मड इन 1946 में फॉर्म हुई थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, विच कंप्राइजेज ऑफ 300 मेंबर, उसमें 300 मेंबर थे, हु मेट पीरियोडिकली ये मेट करते थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लिखते थे तो लगातार नहीं लिखते थे, कहीं थोड़े दिन इधर लिखें, मतलब थोड़ा एक महीने लिखें फिर रेस्ट भी ले लेते थे, ऐसा नहीं लगातार पीरियड वाइज ये काम करते थे। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 300 लोगों का जो ग्रुप था काम करते थे, ये तो काम कर रहे हैं फिर छुट्टी ले लिए, फिर थोड़े दिन छुट्टी, फिर सब लोग आए, फिर ऐसे 3 साल तक लगभग ये काम करें, 3 साल नहीं कह सकते हैं, 2 ईयर 2 साल 11 महीना 18 दिन इतना लगा था कॉन्स्टिट्यूशन बनने में, तो लगभग लगभग 3 साल कह दिया जाता है। वेरियस थिंग्स आर केप्ट इन माइंड वाइल ड्राइंग अप कॉन्स्टिट्यूशन, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो बहुत कुछ चीज़ें थी जो दिमाग में उनके थी। एक चीज़ द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज़, हर एक कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व किया गया था, ऐसा नहीं कि वो कुछ कम है तो उनको छोड़ दिया गया, उनको भी लाया गया था, वहाँ से भी एक मेंबर अपनी बात रख रहा था। वो स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, जो लैंग्वेज डिफरेंट बोलते थे, तमिल हो गया, तमिल को भी जगह दी गई, इंग्लिश को भी दी गई, मराठी, पंजाबी, ऐसी लगभग 22 लैंग्वेज वाली उसमें संविधान में जगह दी गई है। टू डिफरेंट रिलीजन एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर, ऐसा कल्चर जो बिल्कुल गायब होने वाला है, जैसे कुछ हैं बिल्कुल सिख कम्युनिटी जैसे बहुत कम है इस समय लगभग लगभग बहुत, फिर भी उनको भी जगह दी गई। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ देखने को आपको मिली होगी, चाहे जितने कम लोग हों चाहे जितने ज़्यादा हों, सबको लगभग बराबर ट्रीट किया गया है। ये सबसे ज़्यादा इसमें भूमिका किसकी थी, भीमराव अम्बेडकर जी की थी, महान इंसान थे ये। वेरियस की फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले हो गया फेडरलिज्म, और फीचर्स देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेन है फेडरलिज्म। इट मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, यह गवर्नमेंट ऐसा नहीं एक लेवल की है, जैसे तो आपका मोनार्की में होता राजा या डिक्टेटरशिप, वो टहलता है कि नहीं हम सब कुछ हम ही हैं और कुछ नहीं है, हमारा डिसीजन सर्वोपरि, मगर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आपका इन इंडियन देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल लेवल जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंट जैसे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ये चीफ मिनिस्टर होते हैं, और पंचायती राज, गाँव की भी पंचायती राज जो है, पंचायती राज लोकल लेवल जो होते हैं, प्रधान होते हैं, मेयर होते हैं, तो ये जितने भी पार्षद होते हैं, तो ये आपका क्या हो गया पंचायती राज, 3 लेवल पे गवर्नमेंट है यहाँ, इसीलिए इसको फेडरलिज्म कहा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन द पावर ऑफ, और हर एक गवर्नमेंट की जो पावर है वो कौन डिफाइन करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा नहीं कुछ अपने आप डिफाइन करे ले रहे, कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करेगा किसकी कितनी पावर होती है। अभी आपका हो गया पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब यहाँ की जो गवर्नमेंट है पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन, इसमें बताया जाता है कि जो भी इंसान यूनिवर्सल ये सफरेज, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज जो है, इसमें कोई भी व्यक्ति जो 18 साल का हो गया हो वो उसका वोट डालने का अधिकार हो जाता है। अब वो चाहे किसी भी कास्ट का, किसी भी जो गरीब हो, रिक्शा वाले लड़के बच्चे हो, झोपड़पट्टी वाले, कोई भी इंसान उसका वोट होता है, उसका भी एक वोट होगा, प्रधानमंत्री का भी एक वोट होगा। तो राइट वन ये वोट होता है, एक ही होता है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई सड़क छाप, कोई मतलब कोई भी हो, लगभग एक वोट। ऑफ इंडिया हैव डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग, तो इसमें सबका रोल होता है, देयर रिप्रेजेंटेटिव चुनने में लगभग सबका दिया गया। एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेस्ट इलेक्शन, ऊपर ये बताया जा रहा है कि कोई भी सोशल बैकग्राउंड कैसी भी हो, कोई भी हो, लंगड़ा हो, लूला, कुछ भी नहीं मायने करता, अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो वोट करने का अधिकार आपको दे दिया जाता है।
मगर पहले के समय ऐसा नहीं था, कहीं लड़कियों को वो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, कहीं ब्लैक एंड व्हाइट बहुत था, मगर बहुत मूवमेंट हुए, फिर हर जगह लगभग सुधार आया, अब हर जगह लगभग लगभग सब टोटल वोट डालने का अधिकार सबको मिल चुका है। सेपरेशन ऑफ पावर, पावर को सेपरेशन किया गया, ऐसा नहीं पावर एक है, एक व्यक्ति है उसको पावर दे दी गई, पूरे भारत को तुम अकेले चलाओ लो, ऐसा नहीं हो सकता है। सबका पावर, सबकी क्या हुई, पावर डिवाइड की गई, भैया थोड़ी पावर तुम रखो, थोड़ी तुम पावर रखो, थोड़ी तुम, धीरे धीरे, क्योंकि सब एक साथ पावर जब एक के पास होती है तो कुछ भी कर सकता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, डिक्टेटरशिप तानाशाह कर रहा है कुछ भी। सेपरेशन ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देर आर थ्री ऑर्गन स्टेट, अब इसमें तीन में डिवाइड की गई, पहला लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में जैसे आपका पार्लियामेंट आ जाता है, विधान परिषद, विधानसभा, ये आपका लेजिस्लेचर हो गया। एग्जीक्यूटिव रोल, ये एग्जीक्यूटिव जो नेता हो गए, प्राइम मिनिस्टर, ये आपके चीफ मिनिस्टर, MLA, MP, एग्जीक्यूटिव। एंड द ज्यूडिशियरी, ज्यूडिशियरी मतलब न्यायपालिका, ये जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, अब इनको डिटेल में समझते हैं। लेजिस्लेचर रिफर टू और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, अब लेजिस्लेचर वो होते हैं जो रिफर होता है टू अवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है, कौन चुनता है, अब प्रधानमंत्री को कौन चुनेगा, वो लेजिस्लेचर असेंबली, लेजिस्लेचर, ये वो लेजिस्लेचर जब आप पार्लियामेंट में जाएंगे तो वहाँ चुने जाते हैं, पार्लियामेंट इसमें चुने जाएंगे, ये विधानसभा, यहाँ भी तुम्हारे चीफ मिनिस्टर चुने जाते हैं, MLA वहाँ यहाँ जाते हैं, MP आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपके पार्लियामेंट में जाते हैं, वो जाके मोदी को चुनते हैं, प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं, MLA सब जाके चीफ मिनिस्टर को चुनते हैं, तो ये सब चुने जाते हैं, कहाँ, आपका लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर आपका हो गया। द एग्जीक्यूटिव आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉ और रनिंग द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो लॉ बना के, लॉ कहाँ बनेगा, लेजिस्लेचर में, विधानसभा में, या तो लोग पार्लियामेंट में, अब इसको लागू कौन करेगा, इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, इम्प्लीमेंट करते हैं एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर इसमें आ जाएंगे, चीफ मिनिस्टर, MLA, MP, DM, ये जितने भी UPSC, ये सब इसमें एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं। द ज्यूडिशरी रिफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट इन दिस कंट्री, तो ज्यूडिशरी क्या होता है, कोर्ट होती है, ये क्या करती है, ये सिस्टम को कोर्ट इन दिस कंट्री, ये सिस्टम पूरा रिफर करती है, सिस्टम एक होता है कोर्ट, अगर तुम अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे तो ये नज़र रखती है कि अच्छे से हो रहा है, कोई कानून बना है तो इसमें ऐसा तो नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स के खिलाफ बन गया हो, ऐसा कुछ बना के पास कर लिया जो, तो इसकी ये क्या, उसको हटाने की जिम्मेदारी इसकी होती है, नज़र रखने की जिम्मेदारी होती है। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ज्यूडिशियरी सेपरेट है, इसको कहीं इसमें ऐड नहीं किया गया, क्योंकि इसलिए सेपरेट है कि ज्यूडिशियरी पर किसी का प्रभाव नहीं चलता है, कि प्रधानमंत्री कोई विधायक है फ़ोन कर दी, हाँ अपना बेटा है छोड़ देना, ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ज्यूडिशियरी फ्री है, वो किसी को भी डिसीजन दे सकती, प्रधानमंत्री तक को जेल करवा सकती है अगर प्रधानमंत्री ने कुछ गलत किया है, तो इतनी पावर होती है ज्यूडिशियरी। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज, बहुत पावर होती है इनको, इनकी पावर लगभग प्रेसिडेंट की पावर के बराबर होती है, इनको हटाने में वही प्रोसेस लगती है जिसको प्रेसिडेंट को हटाने में पूरी प्रोसेस लगती है, उसको कहते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस, तो इनकी पावर खुद में बहुत होती है। तो ये लेजिस्लेचर क्या होता है, इन पर नज़र रखता है, ये आपस में तीनों बैलेंस बनाए हुए होते हैं। द ज्यूडिस, ईच ऑर्गन चेक अदर एक्ट एज अ चेक ऑन द अदर ऑर्गन ऑफ द स्टेट विच इंश्योर ऑल द बैलेंस ऑफ बिटवीन ऑल द थ्री, ये लगभग एक दूसरे पे नज़र रखते हैं और अच्छे से बैलेंस बना के पूरे देश को चलाने में हेल्प करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में कहते हैं मौलिक अधिकार, ये मौलिक अधिकार सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये फंडामेंटल राइट्स रखा गया है। अब जब अंग्रेज लोग हम पर हुकूमत कर रहे थे, हम लोगों से काम करवा रहे थे, तो हम लोगों को फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे थे, फंडामेंटल राइट्स हमको बचाते हैं, जो कोई हमको फालतू मारे, पीटे, कहीं बंधेज करे, मारे, कोई कंडीशन अप्लाई ना करे, मतलब मारता ही रहे, काम कराता रहे, कुछ भी हमारे साथ ट्रीट करे, तो उस समय फंडामेंटल राइट नहीं थे हमारे लोगों के पास, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बने थे, हम लोग उनके अंडर में काम किया करते थे, जो भी वो चाहते थे वो करवाते थे, पेमेंट भी नहीं देते थे, कुछ भी नहीं करवाते थे। उसके बाद जब हमारा देश बना, हमारे जो देश में कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार दिए गए।
दीज राइट्स प्रोटेक्ट सिटीजन्स अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज. हमको आर्बिट्रेरी ऐसे लॉ जैसे बिना मतलब लॉ होते हैं कुछ पास करा के तुमको ऐसे पास करके तुरंत जेल में डाल दे, इस टाइप के जो डेंजर टाइप के लॉ होते हैं उनसे बचाने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं. पावर बाई द स्टेट, स्टेट में ऐसे कोई लॉ लगा दे कि ये फंडामेंटल, तो फंडामेंटल राइट हमारे नहीं छीने जा सकते हैं. These rights are given to individual against other individual. ये rights हमको दिए जाते हैं हर एक individual को against other individual. जैसे कोई प्रधानमंत्री बन गया, वो सोच रहा है कुछ ऐसा कर दें. अब ये हमारे ऐसा नहीं कि उनको पकड़ के जेल में बंद करो, सबको मारो पीटो, इनका कोई ये नहीं. तो ये fundamental right होगा, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता है. इनके कुछ रेयर केस होते हैं जैसे प्रेसिडेंट रूल या एमरजेंसी जब देश पे लगती है जब बहुत, तब ये हमारे छीने जाते हैं. उस समय ये छीने जाते हैं, वो अन्यथा फंडामेंटल राइट हम लोगों से कोई नहीं छीन सकते. मौलिक अधिकार. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज अगेंस्ट द मेजोरिटी. ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो ये गारंटी करती है कि जो माइनॉरिटीज के राइट होते हैं ये अगेंस्ट द मेजोरिटी ये भी बचा के रखे जाते हैं. अभी अगर ये मान लीजिए फंडामेंटल राइट हट जाए, किसी को भी कोई पुलिस मारे पीटे ले जाए जेल, कोई नहीं मानने वाला, आया किसी घर में आग लगा दो, घर गिरा दो, बुलडोजर चलवा दो, कुछ भी कर दो, कोई नहीं मानने वाला. अभी जैसे कोई भी एग्जांपल ले लिया, उसकी दुकान पलट दी, आग लगा दिए, मारा पूरे परिवार, तीन चार कत्ल कर दिए, कौन बचाएगा? कोई नहीं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे होते हैं, यही हमको बचाते हैं. इन्हीं की वजह से हम पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस स्टेशन पूरी प्रोसेस करती है बाद में पुलिस. तो फंडामेंटल राइट ही अगर ये चले जाए तो हमको ये फंडामेंटल राइट आपके जेल में छीन लिए जाते. जब किसी कोई जेल जाता है तो लगभग 90% छीन लिए जाते, कुछ परसेंट दिए जाते हैं बस. ये फंडामेंटल राइट अगर बाहर आपके छीन लिए जाए तो समझो आप बाहर होके भी जेल का अनुभव कर सकते हैं. इस टाइप की फंडामेंटल राइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकुलरिज्म क्या होता है? ए सेकुलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन. अब इसमें कह रहा है सेकुलर अगर होता है जो देश तो वो केवल एक रिलीजन को हाईलाइट नहीं करता है, मतलब उसको नहीं प्रमोट करता है कि एक ही रिलीजन है और कोई नहीं हो सकता और सब गिरा दो, ये सब कुछ नहीं होता. अपना इंडिया एक सेकुलरिज्म है, हर धर्म को बराबर मानता है. वो कोई हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, क्रिश्चियन, कोई भी धर्म हो, ए टू जेड जितने धर्म माने जाते हैं उनके सबको ये कॉन्स्टिट्यूशन बराबर मानता है. ऐसे स्टेट इंडिया ऑब्वियसली डू नॉट हैव एनी कोई स्पेशल रिलीजन नहीं कि हिंदू हैं, और जब बल्कि हिंदू कितने ज़्यादा हैं फिर भी हिंदू नहीं दी उसमें, कह सकते सबको बराबर माना जाता है, सबको अच्छे से एक जैसे ट्रीट किया जाता है. ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी. अभी डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या है अपनी स्टेट पॉलिसी की, ये सबसे अच्छा, ये भी अपनी जगह पर अच्छा वर्क करता है. दिस सिलेक्शन इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म. इसमें क्या होता है, सोशल या इकोनॉमिक कंडीशन सबकी बराबर करने के लिए. इट सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस. तो इसमें बहुत सारे ऐसे लॉ बनाए जाते हैं, ऐसी पॉलिसी लाई जाती है जिससे गरीबी को कम किया जा सके और अपने देश को ग्रोथिंग की ओर ले जा सके. तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल होते हैं स्टेट पॉलिसी में, स्टेट में होते हैं, जैसे चीफ मिनिस्टर के अंदर में होते हैं ये स्टेट. इसमें जैसे आपका कोई चीज़ फ्री बढ़ रही, राशन हो गया, जैसे ये राशन शॉप्स होते हैं फ्री बढ़ने लगे, सरकार कुछ हेल्प करे, सिलेंडर जैसे अभी जल्द में ही अपने देश में कितने सारे सिलेंडर नहीं हुआ करते तो सिलेंडर फ्री बांटे गए हैं, और आपकी कुछ ऐसे नीतियाँ बनाई जाती हैं जिससे हम लोग को BPL कार्ड बनवाए जाते हैं. तो ये क्या है, ये सब आपके किसके तहत आते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. राशन कार्ड, ये BPL कार्ड, और जो ये तो आपका हॉस्पिटल में जाते हैं वो कार्ड बनता है जिससे आपको 4-5 लाख रुपए कम होती. तो इस टाइप के सिलेंडर बांटना, गैस चूल्हा, LED बल्ब, जितने भी ये जितने पॉलिसी मिलती हैं ये हमको डायरेक्टिव प्रिंसिपल के थ्रू मिलती हैं. स्टेट में चीफ मिनिस्टर के अंदर होती हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कुछ योगदान इसमें करता है, पैसों का दे सकता है. तो इस टाइप की रोजगार योजना, जो ये अपने घर कॉलोनी जो कच्चे अच्छे घर होते हैं उसमें कॉलोनी मिलती हैं, पैसे दिए जाते हैं, जो भी हेल्प ये तुम्हारी जितनी भी आपकी पेंशन है, विधवा पेंशन, जितनी टाइप की पेंशन है, वो सब लगभग इसकी थ्रू ही पॉलिसी बनाई जाती है. और गरीबी कम करने के लिए इस पे वर्क होता है, बहुत अच्छे से वर्क होता है, बहुत अच्छी चीज़ है. फंडामेंटल राइट,
अब फंडामेंटल राइट को डिटेल में पढ़ते हैं। अभी तो फंडामेंटल राइट का आपका ये शॉर्ट में बताया था, फंडामेंटल राइट को डिटेल में पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट में आपका सबसे पहले आता है राइट टू इक्वलिटी, सबको बराबर माना गया, कोई भी हो सबको बराबर, ऑल पर्सन आर इक्वल बिफोर द लॉ, लॉ के हिसाब से सबको बराबर माना गया। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाई द लॉ ऑफ द कंट्री। ये कंट्री मतलब कंट्री लॉज ऑफ कंट्री, हर एक को चाहे वो लंगड़ा हो, लूला हो, अंधा बहरा, कोई भी प्रॉब्लम सबको कॉन्स्टिट्यूशन बराबर मानता है। प्रधानमंत्री को ले लो और चाहे सड़क पर कोई वर्क कर रहा हो, ठेला लगाए हो, उसको भी बराबर मानता है, उसको जैसे मैंने कहा वैसे इसको ट्रीट करेगा। ये है हमारा फंडामेंटल राइट, राइट टू इक्वालिटी। इट ऑल्सो स्टेट दैट नो सिटीजन्स कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड एज अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति रिलीजन के खिलाफ कि तुम मुस्लिम हो दूर रहो, तुम पंजाबी हो हमारे पास ना हो, नहीं कर सकता, सबको बराबर मानता है। कास्ट को लेके, सेक्स मतलब तुम्हारा जेंडर को लेके, तो ये सब आपके क्या हुए, राइट टू इक्वलिटी, सबको बराबर समान अधिकार मिला है। जैसे कोई है SC ST नीचे कास्ट, जैसे कोई हो गई उसको बोला जाता है उसको छूना अनटचेबल, तो वो आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा अगर आप कर रहे हैं तो आप जेल भी जा सकते हैं, फंडामेंटल राइट की या जुर्माना भी लगाया जाता है, कोर्ट पे डिपेंड होता है वो किस टाइप की सज़ा देगा। तो एक चीज़ और है, जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं, जैसे आप जा रहे हैं तो आपको कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेट करता है कि आप इस कास्ट के यहाँ नहीं बैठेंगे, तो आप क्या करें। देखो एक चीज़ आपको हम बताते हैं, जो कोर्ट होती है, कानून होता है, अंधा होता है, अंधा होता है क्योंकि देखता नहीं, बहरा होता है क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता, लंगड़ा भी होता है, अंधा बहरा लंगड़ा तीन इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अब लंगड़ा वहाँ तुमको आएगा नहीं क्या, जैसे तुमको कोई कहेगा भैया इस कास्ट के उधर बैठो तो वो आएगा नहीं, भैया प्रॉब्लम हुई क्या, ये कॉन्स्टिट्यूशन वो आएगा नहीं लॉ पूछने, तुमको जाना पड़ेगा, इसलिए उसको लंगड़ा बोला गया। उसको सुनाई नहीं देता है कि कहोगे हेल्प हेल्प हेल्प, उसको सुनाई नहीं देगा, उसको दिखाई भी नहीं देता है कि तुम इस पर तुम्हारा अत्याचार हो रहा है, तुम इसको बचाओ बचाओ, तुमको जाना पड़ेगा प्रूफ के साथ। प्रूफ नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, कहीं जाएंगे कोई कह देगा तुम्हारे दो हाथ भी लगाए घुमा के, तो नहीं कह सकते क्योंकि प्रूफ कॉन्स्टिट्यूट, ये तो आपका प्रूफ मांगता करेगा प्रूफ, तो आप CCTV कैमरा फुटेज हो या किसी को कि कोई तुम्हारे साथ बोलने तैयार हो जाए कि हमारे सामने गवाह मिल जाए या फोटो CCTV या तो कोई रिकॉर्ड कर लो, ये कैमरे से रिकॉर्ड कर लो, कोई भी ऐसा सबूत मिल जाए वो जाके आप जब रखेंगे तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी जगह हो आप रिकॉर्ड करिए, फ़ोन हो गए हर जगह फ़ोन हो गए रिकॉर्ड करिए, या तो आप CCTV कैमरे फुटेज निकलवा लीजिए, सड़क की वारदात है तो CCTV फुटेज निकलवा लीजिए, तो ये निकलवा के जब रिकॉर्ड लेके जाएंगे तो आपकी सुनी जाएगी। यू गॉट राइट टू इक्वलिटी, तो इक्वलिटी के खिलाफ कहीं भी तो आप एक्शन ले सकते हैं डायरेक्टली, फंडामेंटल राइट है हमारा, कोई नहीं छीन सकता। राइट टू फ्रीडम, आज़ादी है हमको, कोई बंद करके नहीं रख सकता। दिस इंक्लूड दैट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमको बोलने का हर जगह है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ नहीं बोल सकते, जाके आप बोल सकते हैं, हमको फंडामेंटल राइट है। अगर कोई पूछे क्यों बोल रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि राइट टू फ्रीडम, अकॉर्डिंग टू राइट टू फ्रीडम आई एम स्पीकिंग, तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं हर जगह, एक्सप्रेशन एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जैसे आप लड़कियों को जाते हैं प्रपोज करने, आई लव यू बोल सकते हैं, किसी भी लड़के बोल दीजिए, उसमें कोई मायने नहीं रहता क्योंकि आपका राइट टू फ्रीडम है, मगर समझ के, क्योंकि संभल के, क्योंकि इस समय आप गृह मंत्री की बेटी को बोलेंगे आई लव यू तो उसमें लड़ाई हो, फिर ये बात बताने के लिए हम बता रहे हैं राइट टू फ्रीडम है हमारे पास, इसके हिसाब से हम किसी भी लड़की को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं आप एक्सप्रेस के चक्कर में कहा बोला कि सामने तो बताया था, एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी घर जाएं और डायरेक्ट प्रपोज कर दें, उसके भाई तुमको तोड़ फोड़ डालेंगे, बाद में तो आप हमारे पास आएंगे, हम भी कुछ नहीं ज़्यादा कर सकते हैं। घर नहीं, ऐसे जिससे तुम्हारा कहीं गार्डन है वहाँ आप लड़की को प्रपोज कर सकते हैं, ये हमारा राइट टू फ्रीडम है। अब ये नहीं ज़बरदस्ती दो उसको कर रहे हैं कि तुमको मिलो, तुम या कहे हमको मना कर दो, ये कुछ नहीं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, यस और नो लड़कियों के हाथ में होगा। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, अब ये क्या रहता है, द राइट टू मूव एंड डिसाइड एनी पोर्ट ये इन पार्ट ऑफ द कंट्री, आप कंट्री में कहीं घूम सकते हैं, ऐसा नहीं कि तो आपका ये एरिया नहीं, कोई आ नहीं सकता, हमारी हर जगह पूरे देश में कहीं भी घूमे, अगर कोई रोक लगाए तो अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम हमको घूमने की आज़ादी, हम कहीं भी घूम सकते हैं, पूरे भारत में कहीं भी घूम सकते हैं।
एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन ऑक्यूपेशन और बिजनेस। आप राइट टू प्रैक्टिस कोई प्रोफेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं जैसे एससी एसटी है पंडित नहीं बन सकता। ये किसने कहा कि एससी एसटी पंडित नहीं बन सकता, पहले की चीज़ें थी अब बन सकता है, बन जाएगा राइट टू फ्रीडम के अकॉर्डिंग बन सकता है, वो बनने को चाहे तो बन सकता है। ऑक्यूपेशन कोई भी व्यवसाय कर लीजिए, ऐसा नहीं कि ये कोई काम गुप्ता करते हैं गुप्ता नहीं करेंगे, सिंह करते हैं सिंह ही करेंगे, कोई भी काम कर सकता है। राइट टू फ्रीडम हमारा क्या है, मौलिक अधिकार है, कुछ भी कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन कोई भी व्यवसाय, बिजनेस कोई बिजनेस, ऐसा नहीं बिजनेस नहीं कर सकते हैं। पहले की क्या होते थे, ज्ञान ज्ञान जो पढ़ाई वढ़ाई के मामले में पंडित सबसे आगे होते थे, पंडित आगे होते थे, मगर इस समय आप जा सकते हैं, ऐसा नहीं पंडित पढ़ाते थे, अब इस समय माहौल चेंज हो गया है, फंडामेंटल राइट्स आपके हाथ में है, आप जाके उस पर कर सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन जैसे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द ट्रिफ्लिकिंग फोर्स्ड लेबर एंड चिल्ड्रेन वर्किंग अंडर 14 ईयर से, 14 साल से छोटे बच्चों को आप काम नहीं करवा सकते, ये भी फंडामेंटल राइट है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 14 साल से बच्चे को आप छोटे से काम नहीं, जैसे कोई छोटा बच्चा उसको काम कराना है तो उस पर वो बच्चा ही या कोई दूसरा भी केस कर सकता है कि ये फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, 14 साल बच्चे नहीं कर सकता है। मगर ज़्यादातर इसमें बस ये रिटर्न में होता है ज़्यादातर, तो हम तो देखते हैं कि लोग करवाते ही रहते हैं, उनकी घर की भी मजबूरियाँ होती हैं। अगर देखी जाए अब घर में जैसे मम्मी पापा हैं पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, मजबूरियाँ हैं, खाने पीने दिक्कत हो रही है, तो सरकार इस पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल पे बना के लाती तो है मगर नहीं सुधर पाता ना अपना देश, अपनी अभी भी बहुत सारा पिछड़ा, जहाँ घर में रोटियों की भी प्रॉब्लम आ जाती खाने में, और जिनके वहाँ भरा है उनके वहाँ पूरे पूरे इतने 50 ट्रक निकलेगा केवल पैसा निकलेगा इतना भरा है। तो इसमें क्या होता है, 14 साल से बच्चे भी वर्क कर किया करते हैं, इस पर सरकार भी बहुत जल्दी एक्शन नहीं ले सकती है, कि वो भी समझती है कि थोड़ा होता है, लोग भी समझते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अब रिलीजन मतलब धर्म, धर्म के मामले में आप बराबर हो सकते हैं। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, अपने चॉइस से धर्म को फॉलो कर सकता है। जैसे हम किसी हिंदू धर्म के हैं, मुस्लिम का नॉट, मुस्लिम इसमें आ सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं। अगर आपकी इच्छा है, आपकी इच्छा है तो एक धर्म से दूसरे को फॉलो कर सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई यहाँ नहीं। अब जैसे अपना देश इतना महान देश, महान संस्कृति वाला देश पहले भी था अब भी है, और कहीं जाओ पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान, सऊदी अरब जाओ, हिंदू हिंदू हिंदुस्म की बातें करो, जाके तोड़ के भेद दिए जाओगे, पता भी नहीं चले कि गए भी थे कभी। तो इस टाइप से अपना देश है, सबको बराबर मानता है और सबको बराबर मानता हुआ आ रहा है, ऐसा नहीं है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, जब भारत देश ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था तो बड़े बड़े जो अपने आप को दिग्गज कहते थे वो कहते थे इस टाइप से चल नहीं सकता देश, अभी भी चल रहा है, अच्छे से चल रहा है। अब इतना बड़ा देश है, कुछ लड़ाइयाँ थोड़ी बहुत तो होती ही रहेंगी। रिलीजन ऑफ देयर चॉइस, तो चॉइस है रिलीजन, आप कोई भी धर्म फॉलो कर सकते हैं, धर्म किसी भी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, मुस्लिम से कोई भी धर्म, गौतम बुद्ध, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये जो भी आपका यहाँ भी यूज़ कर रखी होता है, क्रिश्चियन भी हैं, माइनॉरिटीज में क्रिश्चियन भी यहाँ पर होते हैं, हम लोग सबको जगह देते हैं, अलग विचार के हमारे लोग थे। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, अब कल्चरल क्या होता है, तो आप कोई भी कल्चर आप रोक सकते हैं, आप गाना किसी भी कल्चर के रीति रिवाज, कपड़े जैसे पहनते हैं अलग अलग टाइप के, तो आप अपना कल्चर बचा सकते हैं, पढ़ाई के मामले में आप कल्चर बचा सकते हैं। कल्चर में जैसे हो गया कोई भी कल्चर, कल्चर क्या कह सकते हैं, अलग अलग टाइप का कल्चर होता है, जैसे हम गांव के लोग होते हैं, गांव के लोग अलग कल्चर रहता है, शहर में अलग कल्चर होता है, अब जंगल साइड चले जाओ वहाँ कल्चर, तो ये सब अपना अपना कल्चर फॉलो कर सकते हैं। अब जैसे कोई भी डीएम ऑफिस है, हम अपना लहंगा, वो लहंगा सॉरी कुछ भी ऐसे कपड़े जो हम पहनते हैं, धोती कुर्ता पहने चले जाओ, कोई रोक नहीं लग सकता, अपना कल्चर हम शो कर रहे हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे हमारे महान दादा परदादा इतने महान काम कर गए, उनके लिए हम कुछ बनवाएं, ये सब कर सकते हैं, ये राइट टू कल्चरल है। एंड एजुकेशन राइट, एजुकेशन राइट में 14 साल के बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी, सरकार ने भी इस पर फोकस किया है, तो ये सब फंडामेंटल राइट है। लास्ट आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रेमेडीज, सबसे गजब पार्ट, इसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इसको बोला है कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी आत्मा है ये। क्यों, अगर ये आपके कोई भी फंडामेंटल राइट अगर एक भी छीने जा रहे हैं, छीने का मतलब अगर
कोई तुम्हारा हरण कर रहा है या नहीं दे रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। बहुत टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई हैं, टीम बनाई गई है, वहाँ भी कंप्लेन कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ रखी गई अगर आपको कभी कोई होता, मगर ऐसी ये हमने आपको पहले भी बताया है, वो अंधा है, बहरा है, लंगड़ा है, सब है, तो उसके सब प्रूफ के साथ जाना। ऐसा नहीं तुमको किसी ने मारा कि तुम क्या छोटे कास्ट के आदमी हड़ो पीछे, तो इस टाइप से कोई हो तो प्रूफ लेके जाना। प्रूफ लेके अगर आप जाएंगे तुरंत एक्शन लिया जाएगा, इसमें आपका इसमें से सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, सबसे अच्छा पॉइंट ये लास्ट में रखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये सब आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ है, अच्छे से आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, अगर कोई क्वेरी कोई कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के